नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि रस्तोगी। सोतीगंज के वाहन कटान माफियों पर पुलिस कार्यवाही का हंटर लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस ने आज सोतीगंज के कुख्यात वाहन कटान माफिया शाकिब की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर लिया है। एएसपी कैंट सूरज रॉय की अगुवाही में आज भारी पुलिस बल जब्तीकरण की कार्यवाही के लिए पहुँचा। जी हाँ, शाकिब सोतीगंज के बड़े वाहन कटान माफियाओं में शुमार था। मेरठ के भी विभिन्न थानों में शाकिब के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। बीते कई दशकों से शाकिब वाहन की कटाई का गोरख धंधा चल रहा था। ऐसे में आज पुलिस ने शाकिब पर कार्यवाही करते हुए 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन की जब्त की कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो कुख्यात शाकिब की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोतीगंज के वाहन माफियाओं की अब तक 70 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। साथ ही अब तक 70 से ज्यादा वाहन चोर और माफिया सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है और आपके द्वारा भी बहुत सारी कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी कार्रवाई की गई है, कितने करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी अब तक जब्त की जा चुकी है? देखिए, आज की कार्रवाई को लेते हुए अगर हम देखें तो लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति 14(1) के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है और लगातार जैसे जैसे सूचनाएं मिलती जा रही हैं हम सूचनाओं का संकलन भी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे अपराधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है अब तक? देखिए, विभिन्न थानों पे भी और विभिन्न मुकदमों में गैंगस्टर एक्ट में लगभग 40 के करीब लोग वांछित थे, तो उसी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत ये जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा भी अन्य कई अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तो नहीं लेकिन अन्य विधिक प्रक्रिया जो है शुरू की गई है हिस्सेशील और गुंडा की, और उनके विरुद्ध भी और सूचनाएँ मिलने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। ये अभियुक्त का नाम शाकिब उर्फ गद्दू है और ये अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। लगभग 10 के आसपास मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं और केवल वाहन चोरी और वाहन कटान ही नहीं, पुलिस के ऊपर हमला करने का भी एक मुकदमा इसके ऊपर है। और इस अभियुक्त ने ऐसा विवेचना जो थाना ब्रह्मपुरी में 111/21 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत का गैंगस्टर एक्ट, उस मुकदमे की विवेचना के क्रम में ऐसा आया कि यह संपत्तियां अभियुक्त ने अपराध के बल पर अर्जित की हैं और अपने ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर इस संपत्ति को पंजीकृत कराया है और अतः फत्तापुर थाने से जहां से इसकी विवेचना चल रही थी संपत्तियों का की पत्रावली बनाई गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय से के आदेश के क्रम में आज यहां पर 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। कौन है, किसके खिलाफ की जा रही है? ये अभियुक्त है शाकिब गद्दू पुत्र शमशुद्दीन, उनके विरुद्ध 111/21 थाना ब्रह्मपुरी पर 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है। इनके विरुद्ध पहले भी करीब आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। इनकी करीब 3 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जिसमें 6 आवासीय संपत्ति साथ साथ 9 वाहन सम्मिलित है, इनको गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में अनुचित प्रवेश, इन संपत्तियों का क्रय विक्रय ये वर्जित होगा और कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है सोतीगंज बाजार में। अब तक कितनी कार्रवाई की गई है और कितने करोड़ रुपए की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी है? देखिए, अभी तक काफ़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके आगे भी अगर कोई इस तरह के अपराध कर रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित रहेगी। पुलिस चेतावनी देना चाहती है उन लोगों को कि कोई ऐसा कारोबार ना करे आगे से, वरना ये सख्त कार्रवाई और ज़्यादा इसकी जाएगी। बिल्कुल, जो भी लोग अवैध तरीकों से इलीगल क्राइम के द्वारा अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई।